हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र का ऊना में चल रहा दो दिवसीय अभ्यास वर्ग संपन्न हुआ। इसमें पार्टी के दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। अभ्यास वर्ग की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने की, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस दौरान पार्टी को मजबूत करने की दिशा में रणनीति पर चर्चा की गई, जबकि राजनीतिक कमियों पर भी मंथन किया गया। अभ्यास वर्ग में आईपीएच मंत्री महेंद्र सिंह, उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर, पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर, गगरेट से विधायक राजेश ठाकुर, चिंतपूर्णी से विधायक बलबीर चौधरी, झंडुता से विधायक जेआर कटवाल, हमीरपुर के विधायक नरेंद्र ठाकुर, मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा सहित पार्टी के कई आला नेता मौजूद रहे। इस मौके पर धूमल ने आने वाले लोकसभा चुनावों में प्रदेश की चारों सीटें फिर से जीतकर कांग्रेस मुक्त हिमाचल का दावा किया है। उन्होंने इन सीटों को पहले से भी अधिक मतों से जीतने का दावा किया है। धूमल ने महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस को जमकर घेरा। धूमल ने कहा कि कांग्रेस के समय में जो जरूरी वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे थे, मोदी सरकार ने उन पर लगाम लगाई है। और रही बात पेट्रोलियम पदार्थों की, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दाम बढ़े हैं। धूमल ने कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस की हालत बिना अपना रिपोर्ट कार्ड देख शोर मचाने वाले बच्चों के जैसी है। कांग्रेस का हाल ये है कि जो बच्चे अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं देखते वो ज़्यादा शोर करते हैं। जो दालें 170 रुपए प्रति किलोग्राम मिलती थी, अब वो 70 रुपए की हो गई, तो कांग्रेस इसमें क्या करेगी। जो प्याज उनके टाइम 100 रुपए किलो मिलता था, अब 16 रुपए किलो मिल रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि हुई है, जो विश्वव्यापी एक संकट आया है, क्योंकि उत्पादन कम हुआ है और रुपए की कीमत का गिर रही है। हमें विश्वास है कि आने वाले समय में इसमें और सुधार होगा। केंद्र और प्रदेश सरकार ने मिलकर प्रयास किया है और 5 रुपए की राहत प्रति लीटर डीजल में भी और पेट्रोल में भी दी है, और कदम भी सरकार निश्चित तौर पर उठाएगी लोकहित में जो भी संभव होगा। भाजपा इस बार उससे भी ज़्यादा बहुमत के साथ चारों सीटें जीतेगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो कुछ प्रदेश को दिया है और 9 महीने में ही प्रदेश सरकार ने जिस तरह से अनेकों योजनाओं को आगे बढ़ाया है, नए नए प्रस्ताव लेकर केंद्र से हजारों करोड़ रुपए की सहायता ली है, उसके कारण लोगों को एक विश्वास हुआ कि केंद्र में और प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो तो विकास तीव्र गति से होता है। हमें विश्वास है कि प्रदेश की जनता इस बार भारी बहुमत के साथ चारों सीटें जिताएगी।